उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पैसे डबल करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार नानकमत्ता क्षेत्र के रहने वाले ही एक व्यक्ति जिसका नाम अमरीक सिंह है, उसकी माता ने ही हाल ही में अपनी जमीन बेची है और उसके पास लाखों रुपए हैं, जिसके बाद गिरफ्तार ये सभी आरोपियों ने एक योजना बनाई और गुरमीत कौर और उसके बेटे अमरीक सिंह को पैसे डबल करने का झांसा दिया और अमरीक सिंह और उसकी माता को झांसे में लेकर लाखों की नकदी उनसे ठग ली। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीक सिंह के द्वारा एक तहरीर इसमें दी गई कि कुछ लोगों के साथ इनके इनको पहले झांसा दे के कि आपके पैसे दुगने कर दिए जाएंगे, उसको झांसा दे के कुछ पैसे इनसे विभिन्न समय पर लिए गए, उसके बाद इनको थोड़ा विश्वास दिलाते हुए इनसे 8 लाख रुपये रिसेंटली इनसे लिए गए। और जब ये लोग एक इनके पास जो प्रोसेस था जिसके माध्यम से ये लोग इनको ठगते थे कि उनको पैसे को डबल करने के लिए पहले शीशों के बीच में पैसे दबा के उन पर कलर लगा के जो नोट की साइज़ होता है उसी साइज़ के वाइट पेपर पे कलर लगा के ये उनको धोखा देते थे कि इस तरह से 3 दिन रखने से पोटली में बांध के ये पैसे डबल हो जाएंगे। इस प्रकार से इनके साथ ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। और जब इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे और ये देखा कि मेरे पैसे डबल नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने एक लूट की घटना को भी अंजाम दिया। साथ में इस लूट की घटना में जो है गुरबाज सिंह के साथ 2 व्यक्ति और थे और इसका जो घटना का मेन सरगना है इंद्रपाल, वो और उनके साथ एक अनिल, उनको उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको भी ये साथ में अपहरण करके ले जा रहे हैं और हथियार के बल पे इन्होंने ये लूट की, जिसमें कि एक लाइसेंसी हथियार था लेकिन जिसका लाइसेंस था उससे इतर कोई इसको प्रयोग कर रहा था। और इस दौरान इन्होंने मारपीट भी की, उनको जान से मारने की धमकी भी दी। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें तुरंत टीम गठित की गई, मैं स्वयं भी आया था यहाँ घटनास्थल पर और इसके बाद हम लोगों ने इसमें इनकी सर्च की और उसके बाद इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों ने निकाली। और जो ये लोग जब पकड़ में आए तो इनसे लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, एक बंदूक बरामद हुई है लाइसेंसी, वो शीशा जिसके माध्यम से ये लोगों को ठगते थे और साथ में इनका वाहन जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं हमें। और लगभग इसमें जो है 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पहले क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उनमें से एक हिस्ट्री शीटर भी है अपने नाम का व्यक्ति, तो इसकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें फिलहाल पकड़े गए एक महिला सहित ठगी के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्तों को कब्जे में पुलिस ने एक 2 नाली बंदूक, ठगी में प्रयोग होने वाला शीशा और करीब 8 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। वहीं इस घटना के खुलासे से उधम सिंह नगर SSP डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पंजाब केसरी TV के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।